गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर, इसका मास प्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम इस लेक्चर में इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी कॉलोनी को फॉर्म करते हैं लेग्यूमिनस रूट में एंड फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं पर्टिकुलर अमोनिया में, ठीक है। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत एंड फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो फ्री लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि पर्टिकुलर राइजोबियम बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनमें ये क्वालिटी होती है एंड क्वान्टिटी होती है कि पर्टिकुलर ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। पर्टिकुलर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है उनमें जो नूडल्स का फॉर्म होता है लेग्यूमिनस प्लांट में एज अ क्रॉस इनाकुलेशन ग्रुप्स में, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं इनाकुलेशन की प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं पर्टिकुलर लेग्यूमिनस प्लांट में नूडल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैरेक्टर की बात की जाए तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं पर्टिकुलर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस शो करते हैं, जिसमें प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, या फिर हम इसे म्यूटालिज्म भी कहते हैं। बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने के पश्चात लेग्यूम्स जो रूट होती है उस रूट में नूडल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स करेंगे उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर उस अमोनिया का यूटिलाइजेशन करते हैं प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो पर्टिकुलर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है 1000 माइक्रॉन इन अ मिलीमीटर एरिया में क्या होते हैं ये अपनी लेंथ के आधार पर क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पर्टिकुलर किसी भी एरिया में। राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है पर्टिकुलर सॉइल में। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एंड एक एसोसिएशन शो करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में फ्री कंडीशन में पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के पश्चात अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स नहीं कर सकते और नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो सॉइल में कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है, तो इसमें आती है चिकन पी, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम्स, ग्रीन ग्राम्स, काउ पी, पीजन पी, ऑयल सीड्स, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। राइजोबिया इनवेट लेग्यूम रूट्स थ्रू रूट हेयर्स। राइजोबिया जो है जैसे ही इंटर करता है लेग्यूमिनस रूट में तो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है रूट हेयर्स के एंड देन उसी रूट हेयर्स को जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो रूट हेयर्स जो है कर्ली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट नूडल्स का फॉर्म होता है वो पिंक कलर के होते हैं एंड सिम्बायोटिक जब रिलेशनशिप शो होता है तो इनसाइड द नूडल्स मतलब जो नूडल्स का फॉर्म होता है वो कहाँ होता है प्लांट के अंदर होता है, प्लांट की जो रूट होती है उसके कॉर्टेक्स के भाग में प्रेजेंट होते हैं रूट नूडल्स, उसी भाग में बनते हैं एंड वहीं पे क्या फिक्स होता है नाइट्रोजन फिक्स होता है एंड देन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू प्लांट। देन क्या करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। अगर बात की जाए इसके इनाकुलेशन की कौन कौन से ग्रुप यूज होते हैं राइजोबियम के पर्टिकुलर लेग्यूमिनस क्रॉप के अंतर्गत तो देखा जाए फर्स्ट है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो पाइसम में आता है। नेक्स्ट है राइजोबियम फेसियोली जो बीन्स है में आता है। अगला है राइजोबियम ट्राइफोली जो क्लोवर में आता है। नेक्स्ट है राइजोबियम मिलियोटिस जो मेडिकेटो में कांगो में आता है जिसे अल्फा अल्फा कहा जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम जैपेनिकम जो सोयाबीन में आता है एंड नेक्स्ट है राइजोबियम ल्यूपिन जो ल्यूपिन ग्रुप्स में आता है। नूडल फॉर्मेशन की बात की जाए कि पर्टिकुलर एक राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नूडल का फॉर्मेशन कैसे करता है एक लेग्यूमिनस प्लांट में, सबसे पहले होता है
अट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबियम, सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं ये प्लांट्स के साथ, एंड मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, राइजोबियम बैक्टीरिया का। अटैचमेंट टू द रूट सरफेस, सबसे पहले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, रूट की सरफेस से अटैचमेंट का वर्क करते हैं। देन रूट हेयर कर्लिंग, जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया का अटैचमेंट प्लांट के साथ होता है उस कंडीशन में रूट क्या होती है, कर्ली फॉर्म शो करती है। फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन ट्रेस, जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया रूट की सरफेस को पार कर लेता है देन आता है कॉर्टेक्स, जहाँ पे ये इन्फेक्शन करता है और थ्रेड का क्या करता है, फॉर्म करता है। इसी थ्रेड वाले एरिया में थ्रेड का फॉर्म होता है हमारे कॉर्टेक्स वाले भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है नूडल फॉर्मेशन, इस प्रकार क्या होता है, बैक्टीरिया नूडल्स का फॉर्मेशन करता है और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाता है एंड ढेर सारे नूडल्स का क्या करता है, फॉर्म करता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो राइजोबिएसी फैमिली में आते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल, इसे सॉइल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, एंड जो नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया रॉड शेप्ड सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन द राइजोबियम फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट में जो रूट नूडल्स पाए जाते हैं उनसे हमें राइजोबियम को आइसोलेट करना है। इसकी मेथड दी हुई है, सबसे तो पहले रिक्वायरमेंट में है लेग्यूमिनस प्लांट रूट, स्टेराइल डिस्टिल वाटर, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, यामा प्लेट, 17% एथेनॉल, 0.1% मर्क्यूरस क्लोराइड सॉल्यूशन। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ रूट नूडल्स, जिस भी क्रॉप से लेग्यूमिनस क्रॉप से हमें रूट नूडल्स लेना है उस क्रॉप को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। देन उस क्रॉप में जो भी अनवांटेड मटेरियल या फिर सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है उन्हें रिमूव किया जाता है। देन उस कंडीशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो रूट नूडल्स है वो ब्राउन टू पिंक कलर में हमें आइडेंटिफाई दिखते हैं। ये रूट नूडल्स का स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में हमें दिखेगा, देखिए इसमें स्ट्रक्चर में बहुत सारे रूट नूडल्स के स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस फर्टिलाइजेशन ऑफ लेग्यूमिनस रूट नूडल्स, जो रूट नूडल्स हमने प्रिपेयर की है ना, जो जहाँ से भी हमने लाई है रूट नूडल्स उसकी सरफेस को क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग पर्टिकुलर उस रूट नूडल्स की सरफेस को स्टरलाइज करते हैं आइसोलेशन के पहले, मतलब आइसोलेशन में यूज करने से पहले उसी की सरफेस को स्टरलाइज किया जाता है। सरफेस स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है, जिसमें 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या फिर 3 से 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। देन इनका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, सॉल्यूशन जैसे ही प्रिपेयर किया जाता है देन उस सॉल्यूशन में जो नूडल्स है उसे 5 से या फिर 4 से 5 मिनट के लिए डिप किया जाता है। डिप करने के पश्चात फिर से उसे वॉश किया जाता है, रिपीटेड वॉश किया हमने उसको स्टेराइल डिस्टिल वाटर से। देन फिर रिपीट क्या करेंगे हम लोग, 17% एथिल अल्कोहल लेंगे बीकर में, देन उस बीकर में रूट नूडल्स को डिप करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देन फिर उसकी रिपीटली क्या करेंगे, स्टेराइल डिस्टिल वाटर से उसे क्या करेंगे हम लोग, वॉश करेंगे। इस प्रकार रूट नूडल्स की सरफेस क्या हो जाती है, स्टेरिलाइज हो जाती है।